हेलो फ्रेंड्स, आज हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। हम टॉपिक्स को कवर करने के लिए अप्रोच क्या यूज़ कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो भी इम्पोर्टेंट आए हुए हैं, मतलब ऑलमोस्ट सारे सॉफ्टवेयर से ही क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है। तो उन टॉपिक्स को हम सीरियल वाइज कवर करेंगे। इन शॉर्ट होल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हम कवर करेंगे, ठीक है जी। फर्स्ट टॉपिक में हम इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है क्या? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बेसिकली टू वर्ड से क्वाइंड है, सॉफ्टवेयर एंड इंजीनियरिंग। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि सॉफ्टवेयर क्या होता है। जैसे हमें पता है कि कंप्यूटर सिस्टम में दो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर में बेसिकली सेट ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं, सेट ऑफ प्रोग्राम्स, ठीक है। तो अगर कभी भी हमें एग्जाम में क्वेश्चंस आए तो हमने ध्यान में रखना है कि सॉफ्टवेयर में प्रोग्राम्स डेफिनेटली होते हैं, ठीक है। अब हमने यहाँ पे लिखा क्या है? सेट ऑफ प्रोग्राम्स, यानी कि एक प्रोग्राम, दो प्रोग्राम, तीन, तो इसको हम बोल सकते हैं सुपर सेट, सुपर सेट ऑफ प्रोग्राम्स, ओके। तो इसको हम इसकी जगह पे सुपर सेट ऑफ प्रोग्राम्स भी लिख सकते हैं, क्लियर, ठीक है। तो इन वर्ड्स का हमें ध्यान रखना है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर सॉफ्टवेयर जब हम मार्केट से लेकर लेते हैं, कोई भी सॉफ्टवेयर परचेज करते हैं न्यू, तो हमने देखा है हमें सॉफ्टवेयर में क्या क्या चीजें मिलती हैं। एक तो पहली चीज तो कि बेसिक वो सॉफ्टवेयर है क्या, साथ में उसके होता है, उसमें उस सॉफ्टवेयर को बनाने के स्टेप्स भी लगे होते हैं, ठीक है। तो साथ में होता है डॉक्यूमेंटेशन और प्लस ऑपरेशनल मैन्यूअल्स। सारे पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे कि ऑपरेशनल मैन्यूअल्स क्या होता है, डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है। तो डॉक्यूमेंटेशन है क्या? कोई भी सॉफ्टवेयर, अगर आपको कोई प्रिंटर इंस्टॉल करना है तो आप प्रिंटर का सॉफ्टवेयर लेकर आओगे, ठीक है। तो वो सॉफ्टवेयर पर्टिकुलर जॉब को फुलफिल करेगा, ठीक है। तो डॉक्यूमेंटेशन में क्या आ जाएगा? उस सॉफ्टवेयर का सारा एनालिसिस, जस्ट स्पेसिफिकेशन भी, उसने काम क्या करना है, ठीक है। फिर आगे और डिजाइन, इम्प्लीमेंटेशन एंड टेस्टिंग, ठीक है। मतलब बेसिकली उस सॉफ्टवेयर ने क्या टास्क परफॉर्म करना है, वो सारी चीज जो है किसमें डालेंगे हम? डॉक्यूमेंटेशन में। अब ऑपरेशनल मैन्यूअल्स क्या होता है? जब भी हम सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा उसके साथ ऑपरेशनल मैन्यूअल्स हमें दिए होते हैं। इसको हम ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स भी बोल सकते हैं। ऑपरेशनल मैन्यूअल्स क्या है? न्यू बिगनर्स के लिए, जिन्होंने कभी भी उस सॉफ्टवेयर को कभी पहले यूज नहीं किया, उनके लिए एक गाइड होती है उसमें, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे, या फिर इंस्टॉलेशन मैन्यूअल्स होते हैं कि उस सॉफ्टवेयर को आपने इंस्टॉल कैसे करना है। तो ये सारी चीजें सॉफ्टवेयर का पार्ट होती है। तो सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर इज सुपर सेट ऑफ प्रोग्राम्स। साथ में क्या क्या आ सकता है उसके? डॉक्यूमेंटेशन एंड ऑपरेशनल मैन्यूअल्स। ऑपरेशनल मैन्यूअल्स को ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स करके वर्ड भी वो यूज कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये हो गया बेसिक हमारा सॉफ्टवेयर। अब नेक्स्ट है, अभी सॉफ्टवेयर होता कितने तरह का है? तो सॉफ्टवेयर इज ऑफ बेसिकली टू टाइप्स। कौन कौन सा? सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। हाँ जी, जो कंप्यूटर को चलाने के लिए सॉफ्टवेयर हम यूज करते हैं, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स, विंडो, ये सारे क्या होंगे? सिस्टम सॉफ्टवेयर। लेकिन एक पर्टिकुलर काम को, टास्क को फुलफिल करने के लिए, जैसे हमने टाइपिंग करनी है तो हम एमएस ऑफिस में वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। पेंट करना है तो हम पेंट सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। तो किसी पर्टिकुलर टास्क को फुलफिल करने के लिए जो सॉफ्टवेयर होता है, दैट इज कॉल्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। इस पे क्वेश्चन आया हुआ है यूजीसी में कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो ऑप्शन क्या थी? टू सॉल्व, टू फुलफिल अ पर्टिकुलर जॉब, एक खास काम करने की, ये पूरा सिस्टम चलाने के लिए यूज होता है, ठीक है। तो बेसिक ये कंसेप्ट है सारा सॉफ्टवेयर का। अब नेक्स्ट है, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स क्या होता है? प्रोडक्ट क्या होता है? सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट कुछ भी ऐसी चीज जो कस्टमर को डिलीवर की जाती है, दैट इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट।
इसको हम शॉर्ट वर्ड्स में डिलीवरेबल्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। वो प्रोडक्ट जो कस्टमर को उसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए सॉफ्टवेयर के रूप में दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। क्लियर। अब नेक्स्ट है जी, सॉफ्टवेयर जो प्रोडक्ट है वो भी दो तरह के होते हैं, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स। देखिए, आप लोगों ने देखा होगा, जैसे कि मैंने अभी प्रिंटर को चलाने के लिए सॉफ्टवेयर की बात की है, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट जो आपने एचपी कंपनी का प्रिंटर लगाया है उसके लिए सॉफ्टवेयर लाना है, ठीक है। तो वो सॉफ्टवेयर सिर्फ जरूरी तो नहीं आप ही यूज कर रहे हो, जिस जो जो पर्सन उस प्रिंटर को यूज करेगा वो यूज करेगा, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट आर टू टाइप्स, जेनरिक एंड बिस्पोक। जेनरिक क्या होते हैं, दो तरह के हैं, जेनरिक एंड बेस्पोक। इसको हम कस्टम भी बोल सकते हैं, नाम से ही आपको क्लियर हो गया होगा। जेनरिक क्या है, वाइड रेंज ऑफ पीपल, बहुत ज्यादा लोगों को दिया जाता है, ठीक है। बेस्पोक क्या है, कस्टम क्या है, जो पर्टिकुलर एक ह्यूमन की नीड के अकॉर्डिंग बनाया जाता है। तो लेकिन 80% कौन सा सॉफ्टवेयर काम आता है, मतलब लोग परचेज करते हैं ज्यादातर, कस्टम, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये है जेनरिक एंड बिस्पोक, टू सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स। क्लियर। अब आगे चलते हैं, काफी इंपॉर्टेंट जो इसमें टॉपिक आ जाता है वो है कि जो सॉफ्टवेयर है जब इसको बनाया जाता है तो उसमें क्या क्या स्टेप्स यूज होते हैं, ठीक है। देखिए, हार्डवेयर के साथ हम कंपैरिजन करेंगे। हार्डवेयर में क्या होता है, एक बाथटब कर्व बनती है, लेकिन सॉफ्टवेयर में क्या होता है, ये आगे आके फ्लैट हो जाता है। पर्पस क्या है इसका, दिस फेस इज कॉल्ड बर्निंग फेस, इसको हम बोलते हैं इंपॉर्टेंट लाइफ साइकिल, लाइफ साइकिल फेस, और इसको हम कहते हैं बियर आउट फेस। तो डायग्राम से आपको क्लियर हो गया होगा कि वियर आउट जो है वो हार्डवेयर में होता है, सॉफ्टवेयर में नहीं होता। अब हम डिस्कस करेंगे कि क्यों नहीं होता। देखिए, जब हम किसी भी हार्डवेयर को यूज करते हैं, पहले उसको मैन्युफैक्चर करते हैं, बनाते हैं, पहली बात क्लियर कर दूं कि सॉफ्टवेयर को मैन्युफैक्चर नहीं किया जाता, प्रोग्रामिंग की जाती है उसकी, ठीक है। मैन्युफैक्चर कौन सी चीज होती है, जिसमें हम रॉ मटेरियल यूज करते हैं, ठीक है। रॉ मटेरियल यूज करके हम सिर्फ हार्डवेयर बनाते हैं, सॉफ्टवेयर नहीं बनाते, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग जब होती है, बर्निंग फेस है, इसमें जब प्रोग्रामिंग होती है तो उसको क्या बोलेंगे हम, बर्निंग फेस। बर्निंग फेस होता है, यूजफुल लाइफ साइकिल पीरियड क्या है, जब उसको यूज किया जाता है। हम जब भी किसी हार्डवेयर को यूज करते हैं तो उसकी एलिमेंट्स की एजिंग हो जाती है, कुछ ना कुछ एलिमेंट्स खराब भी हो जाते हैं, ठीक है। तो हम बाद में क्या हो जाता है, वो वियर आउट, मतलब वो उसकी इतनी ज्यादा यूज यूज हो चुका होता है कि अब वो हमारे काम नहीं रहता। तो सॉफ्टवेयर में क्या होता है, सॉफ्टवेयर में बर्निंग फेस होता है, यूजफुल लाइफ साइकिल पीरियड होता है, और एंड में वो सॉफ्टवेयर कभी भी वियर आउट फेस में नहीं जाता। लेकिन क्या हो सकता है, सॉफ्टवेयर ऑब्सोलेंस हो सकता है, ऑब्सोलेट हो सकता है। ऑब्सोलेट का मतलब क्या होता है कि टाइम के साथ वो सॉफ्टवेयर पुराना हो सकता है, लेकिन कभी भी वो सॉफ्टवेयर जो है उसको हम वियर आउट फेस उसमें नहीं लेकर चलेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये सारा टाइम दिखा रहे हैं हम, भी टाइम है, इधर भी ये फेलोअर है, भी कितना फेल हो सकता है। जब मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट की थी, फेलोअर चांसेस ज्यादा होते हैं, ठीक है, जब हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे यूजफुल लाइफ साइकिल पीरियड में फेलियर चांसेस कम होते हैं, लेकिन जब वो इतना यूज हो जाता है फिर फेलियर चांसेस बढ़ जाते हैं हार्डवेयर के, राइट। लेकिन इसमें सॉफ्टवेयर में क्या हो सकता है, वो ऑब्सोलेट हो सकता है, मतलब पुराना हो सकता है, उसमें नई फीचर्स ऐड करने की जरूरत हो सकती है। तो आप लोगों ने ध्यान में रखना है, सॉफ्टवेयर डज नॉट वेयर आउट, ओके। अब हम डिस्कस करेंगे सॉफ्टवेयर की करेक्टरिस्टिक्स, ओके। हाँ जी, एक चीज मैं बार बार बता रही हूं कि ये चीजें जो हम कर रहे हैं, आपको जस्ट इनको थोड़ा सा नोट कर लेना है, एक एक पॉइंट, और एग्जाम से पहले रिव्यू लेकर जाना है इसका, ताकि आपके दिमाग में हो कि क्या फीचर्स होती हैं, ठीक है।
अब है सॉफ्टवेयर डज नॉट वियर आउट, मैंने अभी आपको बताया सॉफ्टवेयर डज नॉट वियर आउट, वियर आउट मैंने अभी बताया अभी क्या होता है, ठीक है। ऑब्सोलेट हो सकता है, पुराना हो सकता है, लेकिन वो वियर आउट नहीं होता। नेक्स्ट क्या है, सॉफ्टवेयर इज नॉट मैन्युफैक्चर्ड, मैन्युफैक्चर्ड, ओके। सॉफ्टवेयर को हम मैन्युफैक्चर नहीं करेंगे, रॉ मटेरियल यूज करके हम उसकी प्रोग्रामिंग करेंगे, ओके। फिर है रीयूजेबिलिटी ऑफ कंपोनेंट्स। देखिए रीयूजेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि कोई सॉफ्टवेयर आपने बनाया है, उस सॉफ्टवेयर की जो प्रोग्रामिंग आपने की है, उस उतनी प्रोग्रामिंग को आप कहीं और भी, उस कोडिंग को कहीं और भी यूज कर सकते हो। दिस इज कॉल्ड रीयूजेबिलिटी ऑफ कंपोनेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, सॉफ्टवेयर इज फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल कैसे है, वी कैन चेंज, वी कैन मॉडिफाई एनी सॉफ्टवेयर, क्लियर, ठीक है। तो ये फीचर्स हैं। अभी क्वेश्चन के बारे में भी बता दूं कि इन पे क्वेश्चन आया हुआ है, जिसमें आपको चार ऑप्शंस दी थी, पूछा था कि सॉफ्टवेयर में कौन सी फीचर नहीं है, तो आपने चूज करना था कि मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती, क्लियर, ठीक है। मैन्युफैक्चर्ड फीचर दे रखी थी उन्होंने, लेकिन हमने टिक करना था कि मैन्युफैक्चर नहीं होता। तो ये बेसिक्स का टॉपिक है हमारा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का, इसको आप ध्यान से करना। और एक आध फिर जो नेक्स्ट वाटरफॉल मॉडल या प्रोटोटाइपिंग मॉडल, जितने भी लाइफ साइकिल मॉडल्स है वो होते क्या है, हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक्स अ लॉट।